नमस्कार अपन सर अपन खबर में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं रूपाली। अब खबरों की ओर रुख करते हैं। समस्तीपुर पंजाबी कॉलोनी स्थित साधना देवी विद्यापीठ स्कूल में आज अपोलो डेंटल और मार्ग हॉस्पिटल के द्वारा फ्री चेकअप स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष प्रेमलता ने दीप जलाकर किया। स्कूल के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने इस कैंप से लाभ उठाया। करती है, चाहे वो गांव हो या ग्रामीण स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उसमें निःशुल्क शिक्षा सेवित करने का हमारा ये हर मंत्र प्रोग्राम चलता है। उसी प्रोग्राम के तहत आज हम आपके स्कूल में आए हैं। अपोलो डेंटल विद्यालय में दंत चिकित्सा शिविर भी किया गया। उस समय हमारे समस्तीपुर के सांसद महोदय मानसर हजारी जी, विधायक इस्लाम साहिब जी और बहुत सारे लोग आए थे। और उस समय मैंने देखा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था और बच्चों के लिए जो साधना देवी काम कर रही थी, तो मुझे लगा आने वाला समय में साधना देवी विद्यापीठ समस्तीपुर जिला नहीं बल्कि बिहार राज्य में अपना नाम करेगा। और आज मुझे देख कर बहुत हर्ष हो रहा है कि मैं इनके कार्यालय में भी गया और विद्यालय कक्ष में भी घूम के देखा। और मैं खुशी से कह सकता हूँ कि साधना देवी विद्यापीठ के डायरेक्टर पंकज जी ने अथक मेहनत से बहुत कम समय में अपने विद्यालय को समस्तीपुर में ही राज्य में अपना उपस्थिति दर्ज कराने का काम किया गया। फ्री हेल्थ चेकअप स्वास्थ्य जांच शिविर यह सबों के लिए जरूरी है, खासकर हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जिनका हमारा भविष्य हमारे देश का भविष्य टिका है, उनके प्रति इतने सजग होना ये डॉक्टर ज्ञानेंद्र और अभिलाषा जी की खासियत है। मैं इसके लिए समस्तीपुर जिला परिषद की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि आप बच्चों के प्रति, उनके स्वास्थ्य के प्रति, चाहे वो दांतों की सुरक्षा से लेकर या बच्चियों के, चूँकि बच्चियाँ हमारे आधी आबादी को बिलोंग करती हैं और उनके स्वास्थ्य जो आप इससे कमी होकर उनके प्रति आप ये जो स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते हैं बहुत ही सराहनीय है। इसके पूर्व में भी आपने सरकारी विद्यालयों में भी अपना योगदान जो आपकी माता जी पुण्यतिथि पे करते आए हैं, मैं उसके लिए भी आज इस मंच से आपको बधाई और धन्यवाद देती हूँ। खासकर मैं बच्चों से कहना चाहूँगी, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारी आप लोगों को दी है कि दांतों की सुरक्षा कैसे की जाए, उनको लंबे समय तक कैसे मजबूत रखा जाए, बीमारियों से कैसे बचा जाए, खासकर बच्चियों से जो भी आने वाले समय में एक मजबूत स्तंभ के रूप में अपने परिवार को स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा रोल, बहुत अहम भूमिका होती है। मैं 31 अगस्त की देर रात घटोर थाना ओपी में हुए डकैती का उद्भेदन किया गया। SDPO दलजीत राय ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। इसको कह रहे हैं गठिया मंगवाने के लिए, तो पिलाते हैं हमेशा, छाया पिला दिए हैं, हमको लगा खाली चाय पर छोड़ दिए। बिहार
बिना कैप के कोई नहीं रहेगा। जी सर लीजिए। 31 अगस्त 2018 और 1 सितंबर 2018 की रात्रि घाटो थाना क्षेत्र के कांचा में संजय शाह के घर पर डकैती की घटना हुई। तुम्हें SIT टीम का गठन किया गया, जिस टीम में SHO दर्शन सराय नरेश पासवान, सर्किल इंस्पेक्टर दर्शन सराय निराला जी, सराय रंजन थाना अध्यक्ष अमित कुमार, थाना अध्यक्ष घटो विक्रम झा इस टीम में शामिल थे। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में घटना के जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके साथ रहने वाले व्यक्ति चंदन और राजेश, जो कि स्वयं स्वर्ण व्यापारी हैं, उन लोगों को हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया था। उन दोनों के निशानदेही पर ही इन दोनों के घर से ज्वेलरी, चांदी का ज्वेलरी, गलाया हुआ सोना और करीब 48,200 रुपया की बरामदगी इन लोग के घर से हुई। इन दोनों के निशानदेही पर ही वैशाली के महुआ से एक और दो स्वर्ण व्यापारी की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक का नाम है उदय कुमार, जिसके घर से सोना का जेवर करीब 70 ग्राम की बरामदगी हुई। और इन सभी की बरामदगी वैसे सामानों की हुई जो पीड़ित के यहाँ से लूटी गई थी। घटना में करीब 11 लोग शामिल थे, दो खरीदने वाले थे, उन दोनों की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। समस्तीपुर दरभंगा पथ के ओम साय पेट्रोल पंप के पास बोलेरो और पिकअप की टक्कर में एक की हुई मौत, कई हैं घायल। खड़ा रह सब दिन रहे गाड़ी अच्छी सफर कर लिया जाए। लोग के पुराना में बहुत गरीब है, उस पैसा मिल जाता तो हम लोग का काम कर सकते हैं। हमारे भाई साहब रोड पर के साइड में दरवाजे पर खड़े थे, ये पिकअप गया है और मार दिया है। किधर से आ रहा था पिकअप? पिकअप तो इधर से दरभंगा की ओर से आ रही थी। सुनो, बेलोरो में भी ठोका है? अब बेलोरो में भी लगा है। वहीं पे आप लोग थे? वहीं पर गंगा स्नान करने के लिए वो लोग जा रहे थे, उसी बीच में ये घटना हुआ। आपका नाम? मेरा नाम राजा हुआ।